हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद फन। टुडे वी विल टॉक अबाउट गिलोय पपाया, नीम, तुलसी। नाव मैं आपको अब गिलोय दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गिलोय है, ठीक है। ये कैसे जमीन से लगी हुई है, ये गिलोय की लता है। ओके, ये मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ, ये है गिलोय की लता, ठीक है। इसी को काट करके, कूट करके, इसको उबाल करके पिया जाता है। फाइन, इसको सुखा भी लिया जाता है इनकी लताओं को, और इसके टैबलेट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो ये देखिए गिलोय की बेल है, ठीक है, पहचान लीजिए। ये प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है, ठीक है। ये देखिए कैसे ड्रमस्टिक प्लांट को लपेटे हुए चढ़ा हुआ है। ओके, ये देख रहे हैं लताएँ कैसी लपेटी हुई हैं, ठीक है। ये गिलोय है, फाइन। तो आपने गिलोय पहचान लिया होगा। ये देखिए ड्रमस्टिक प्लांट को कैसे लपेटे हुए है, ठीक है। ये देखिए ऊपर, और ऊपर जाकर के इसकी पत्तियों को देखिए ज़रा, ये पान की पत्तियों की तरह दिखती हैं, ठीक है। ये नाव गिलोय की पत्ती की बात करें तो ये देखिए पान जैसे पत्ती है, ठीक है। ये देखिए कैसे इस पर लपेट कर चढ़ा हुआ है, इस देख रहे हैं, ये गिलोय है, फाइन। इसके फल को देखिए, ये मटर जैसा इसका फल है। ये पत्ती देखिए, ओके, ये गिलोय की पत्ती देखिए, ढेर सारी गिलोय हैं, इनकी पत्ती को देखिए, फाइन। ये गिलोय की लताएं हैं, ये बेल है गिलोय का, ठीक है। ओके, तो आपने गिलोय पहचान लिया हुआ है। ये आसानी से गांव में मिल जाता है, आपके आसपास ही। नाव मैं आपको गिलोय दिखाता हूँ। ये गिलोय कट करके मैंने रखा हुआ है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसकी कुछ नई टहनियाँ हैं हमारे पास, जिसमें पत्ते लगे हुए हैं, बाकी ये ओल्ड टहनियाँ हैं, ठीक है। गिलोय की, इसका यूज बताता हूँ आपको। गिलोय हर प्रकार के बुखार में काम करता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जितने भी प्रकार के फीवर होते हैं उनमें ये काम करती है। पीलिया में भी फायदेमंद है ये, लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इम्यूनिटी बहुत तेजी के साथ ये बूस्ट करता है। अस्थमा में फायदेमंद है, मोटापा कम करती है गिलोय, ओके। गठिया में काम करता है, वायरस को किल करने में मदद करता है, चाहे आपका कोरोना वायरस हो या किसी और प्रकार का वायरस हो। ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, खून की कमी एनीमिया है तो उसको दूर करता है। स्किन डिजीज भी, जितनी भी स्किन डिजीज होती हैं, त्वचा की बीमारियां, उनमें ये काम करती है। तनाव को कम करती है, टेंशन, डिप्रेशन को ये रिड्यूस करती है। दिमाग को ताकत प्रदान करती है, एसिडिटी में काम करती है, कफ में काम करती है, यूरिनरी सिस्टम को सही करती है, आपके इस बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालती है, यानी कि जहरीले पदार्थों को, इन्फेक्शंस को, यानी संक्रमण को रोकती है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसको कम करती है, रोकती है, ओके। तो गिलोय के ये फायदे हैं। अब मैं आपको, गिलोय हमारा मोटापा भी कम करता है, साथ में प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। चलिए, आपको गिलोय से होने वाले फायदे के बारे में तो मैंने बता दिया, अब गिलोय से होने वाले नुकसान के बारे में बताता हूँ। गिलोय से पहला नुकसान जो होता है, ऑटो इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑटो इम्यूनिटी की बीमारी लग सकती है आपको। इसका मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है और गिलोय ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं आप, तो ऑटो इम्यूनिटी की बीमारी लग सकती है। ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है ज़्यादा गिलोय अगर ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये शुगर को कम करता है, ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, तो ज़्यादा गिलोय लेंगे तो ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना है गिलोय। अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी होने वाली है या हो गई है, तो सर्जरी होने से पहले 10 दिन गिलोय बंद कर देना है, और सर्जरी होने के 10 दिन बाद ही गिलोय का सेवन करना है, ओके। ये देखिए पपाया फ्रूट्स,
ठीक, इसकी पत्तियाँ देखिए, इसके फूल भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे फल भी दिख रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आपने पपाया प्लांट पहचान लिया होगा। ओके, नाउ मैं आपको पपाया लीफ के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास पपाया लीफ है, पपीते की पत्ती। इसका यूज देखिए, पपीते की पत्ती का यूज डेंगू से लड़ने में मदद करता है, कैंसर से हमारा बचाव करता है, मलेरिया जैसी बीमारी में ये बहुत ही लाभकारी है, लेडीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा को बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ाता है, पिंपल से राहत मिलती है। इसका यूज मैं बता देता हूँ, इसको यूज कैसे करना है। दो पपीते की पत्ती को आप पीस लीजिए, पीस करके इसको 200 ml पानी में, मतलब एक कप पानी में इसको पी लीजिए। सुबह सुबह शाम भी यूज कर सकते हैं, खाने से पहले पीना है, सुबह खाने से पहले पीना है और शाम को खाने के एक घंटे बाद पीना है। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ प्लेटलेट्स ये बढ़ाता है, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, प्लेटलेट्स के साथ साथ पिंपल से भी राहत मिलती है और ढेर सारे इसके फायदे भी हैं हमारे पास। पपीते के पत्ते के फायदे मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। डेंगू से लड़ने में मदद करता है, कैंसर से बचाव करता है, मलेरिया में लाभकारी है, लेडीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा को बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज करता है, पिंपल से राहत दिलाता है और ढेर सारे पपीते के लीव्स के फायदे हैं। ओके, नाउ मैं आपको अब दिखाता हूँ तुलसी। ये तुलसी का स्टेम है जिसमें कुछ छोटी छोटी लीव्स हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो अभी लीव्स निकल ही रही हैं, बारिश की मौसम या सर्दियों के मौसम में इसमें खूब अच्छी सी पत्तियाँ, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं। अब तुलसी के पत्ते के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। पहला फ़ायदा है ओमिटिंग में, यानी कि उल्टी में बहुत ही लाभकारी है। किसी को ओमिटिंग हो रही है, एक दो पत्ते चबा ले धुल करके, ओमिटिंग बंद हो जाएगी। सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक करता है, यानी कि यौन रोगों में काम करता है ये। सर्दी में, सर्दी जुकाम हो रही है तो चाय में डालकर आप पी लीजिए इसको। पेट की खराबी है उसमें भी ये काम करते हैं, चोट लगने पर इसका यूज किया जा सकता है, इसको पीस करके लगा लिया जाए तो इन्फेक्शन नहीं होगा। चेहरे की चमक को बरकरार करता है, अगर आप चाय में तुलसी ले रहे हैं तो चेहरे की चमक बरकरार रहेगी आपकी। सांस से बदबू आती है, सांस लेने पर दुर्गंध आती है मुंह से, उसको ठीक करता है तुलसी की पत्ती खाने से। कैंसर में विशेषकर लाभकारी है ये तुलसी। वैसे आपको बता दूं, 200 प्लस डिजीज में काम करता है, 200 से अधिक रोगों में काम करता है ये। ओके, नीम की लीफ पत्तियां देखिए, ये नीम का ट्री है। ओके, ये इसकी पत्तियां देखिए, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। ओके, आई थिंक आपने नीम ट्री को पहचान लिया होगा। इसमें देखिए छोटे छोटे इसके फ्रूट्स लगे हुए हैं नीम में। ओके, ये पत्ती के साथ देखिए, इसमें छोटे छोटे नीम के फ्रूट्स लगे हैं। ओके, नाउ ये हमारे पास नीम की लीफ है, यानी कि नीम की पत्ती है, और इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में बताऊंगा आपको। पहला फ़ायदा है संक्रमण से बचाने में मदद करता है, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकता है, उससे बचाता है। कान में दर्द हो रहा है उसमें ये लाभकारी है, वजन कम करने में, वेट लॉस करने में ये मदद करता है। त्वचा रोग यानी कि स्किन डिजीज में ये काफ़ी लाभकारी है। खून की खराबी अगर है तो ये ब्लड को प्यूरीफाई भी करता है। आंतों के रोग यानी कि इंटेस्टाइनल डिजीज को ठीक करता है। फोड़े और जख्मों को भी ठीक करता है, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है।